हाय डियर फ्रेंड्स, मैं अस्मा अंजुम। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है और स्टैम्प ड्यूटी, और जब हम हमारी कोई प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, रजिस्टर्ड कराना होता है, ये सारी चीजें हमने देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 6 क्या डिफाइन करता है। सेक्शन 6 डिफाइन करता है व्हाट प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर एंड व्हाट प्रॉपर्टी मे नॉट बी ट्रांसफर। वो प्रॉपर्टी जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं और वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो उसमें एक हम जो टॉपिक लेंगे आज वो है सेक्शन 6A, जो बताता है स्पेस सक्सेशनिस्ट को, ये क्या है हम देखेंगे इस वीडियो में। सेक्शन 5 डिफाइन करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और सेक्शन 6 डिफाइन करता है व्हाट प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर एंड व्हाट प्रॉपर्टी मे नॉट बी ट्रांसफर, कि हम कौन सी प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए, प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी ट्रांसफर, वो प्रॉपर्टी जो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते कौन कौन सी है वो, स्पेस सक्सेशनिस्ट, मेयर राइट ऑफ री एंट्री, एसमेंट, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, फ्यूचर मेंटेनेंस, अ मेयर राइट टू सू, पब्लिक ऑफिस एंड स्टाइपेंड। ये क्या है, ये चीजें हैं जिसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। उसमें से हम सेक्शन 6A देखेंगे, स्पेस सक्सेशनिस्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कंडीशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पहले द राइट ऑफ अ पर्सन टू इनहेरिट टू अनदर इन फ्यूचर इज अ मेयर चांस, इट इज ओनली चांस। यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई पर्सन किसी की प्रॉपर्टी में, किसी के जायदाद में हिस्सेदार या वारिस होगा, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, या सिर्फ चांस होता है कि हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट इज ओनली चांस, मेयर होप ऑफ सक्सीडिंग टू प्रॉपर्टी, हो भी सकता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी का वारिसदार बन जाए, ये भी हो सकता है कि ना बने। इट मे हैपन और मे नॉट बी हैपन, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मतलब ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि किसी की डेथ के बाद या कोई अपनी विल में किसी और को उसका प्रॉपर्टी दे देगा या उसके नाम उसकी प्रॉपर्टी चले जाएंगी, इसके चांसेस हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो ये होता है कि वो फ्यूचर में उसके नाम पर हो भी सकती है प्रॉपर्टी और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं, ये जो ओल्ड मैन है, समझिए ये है जेड और ये ए और ये बी। जेड का ए जो है वो ओनली अ ग्रैंडसन, ये ग्रैंडसन है और लीगल हेयर है जेड का, ए की ग्रैंडसन है। जेड ने नरिश किया ए को, अब ए को ऐसा लगा कि जेड अपनी प्रॉपर्टी ए को दे देगा, उसे ऐसा लगा था कि वो उसकी प्रॉपर्टी उसे दे देगा, और यही सोच के ए कॉन्ट्रैक्ट में आया बी के, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कुछ प्रॉपर्टी उसकी, उसने उसे सेल करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। बट जेड जो है, जेड ने एक अपनी विल बनाई, जेड ने मरने से पहले अपनी एक विल बनाई जिसने उसने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी एक टेंपल को दे दी। तो ए के पास तो कोई प्रॉपर्टी बची नहीं, इसलिए बी ने क्या किया, ए के अगेन सू फाइल किया कि ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में था। लेकिन कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो ये था कि ए वॉज डिसक्वालिफाइड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ जेड ड्यू टू द विल ऑफ जेड। अब उसने, जेड ने तो अपनी विल में ए को प्रॉपर्टी दी ही नहीं, तो ए डिसक्वालिफाई हो गया उसकी प्रॉपर्टी से। इसलिए ये सिर्फ एक इंटेंशन था स्पेक्स सीजन का, यानी कि ए को लगा था कि शायद उसको वो प्रॉपर्टी मिलेंगी जेड की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये हो सकता कि मिलेंगी और हो सकता कि ना मिले, मतलब कि ये फिक्स नहीं होता। तो इस केस में यही हुआ था, ए को लगा था कि शायद जेड उसे प्रॉपर्टी देगा, पर जेड ने उसे प्रॉपर्टी नहीं दी अपनी। तो ये होता है स्पेक्स सक्सेशन। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे के जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके भी एक एक वीडियो इसी तरह आएंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय।